हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर SSGD की जो अभी रनिंग चल रही है फिजिकल के लिए, उससे रिलेटेड A to Z जानकारी होगी, जिसके अंदर आपको सारा बताया जाएगा ये ट्रैक कैसा है। इस वीडियो के अंदर उदयपुर के अंदर जो BSF कैंपस में रनिंग हो रही है, उस ट्रैक के बारे में सारी डिटेल्स बताई जाएगी आपको। कितने बजे बैच बना था, कब तक पहले बैच को दौड़ाया था, कितने लोग पास हुए, वहाँ पर रहने की क्या व्यवस्था है, सब बातें इस वीडियो के अंदर होगी। तो आपसे निवेदन रहेगा कि इसे स्किप ना करें और वीडियो को धीरे धीरे देखें, जो कि आपके रनिंग में काम आएगा। उदयपुर से BSF कैंपस लगभग 12 से 13 किलोमीटर के दूर है, तो वहाँ पर जाने के लिए आपको उदयपुर के अंदर जो चेतक सर्कल है वहाँ से बस मिल जाएगी। उस बस को पकड़ना है, वो आपको जो कविता गांव है उसका एक स्टैंड वहाँ तक छोड़ देगी। फिर वहाँ से आपको पैदल पैदल 2-1 किलोमीटर यहाँ पर आ जाना, जहाँ पर BSF कैंपस है वहाँ पर आपको मिल जाएगा। लोग बता भी देंगे, आप उनको पूछते पूछते वहाँ तक आ सकते हैं। आपकी रनिंग अगर जैसे एक दिन पहले पहुँचना आपको रनिंग से, जैसे अगर आपकी रनिंग 26 को है तो आप 25 को पहुँच जाओ, तो उसका ये फ़ायदा है कि आप वहाँ पे जाके टोकन ले सकते हो, जिससे कि आपको जो अगले 25 तारीख को जब रनिंग होगी तो आपको फर्स्ट बैच के अंदर दौड़ने को मिल जाएगा। टोकन जो है हर शाम को 5 बजे मिलता है, पहले दिन जाके टोकन ले सकते, अपन टोकन नंबर होता है एक जो कि आपको वहाँ से मिल जाएगा, वो टोकन नंबर लेना आपको। वहाँ रहने और खाने की व्यवस्था पूरी है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, फल फ्रूट सब कुछ मिल जाएगा, एनर्जी ड्रिंक्स जो चाहिए आपको, क्योंकि होटल्स है पास में और कुछ शॉप्स हैं जहाँ पे आपको फल फ्रूट्स भी मिल जाएंगे। और खाने के लिए तो ढाबा है, होटल खुद है। ये होटल्स में रहने के लिए आपको जो पास वाले होटल्स है, यानी कि 100 से 150 मीटर दूरी पर है जो BSF कैंपस में, वो थोड़ी महंगी है। लेकिन अगर आप वहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर या 1 किलोमीटर के बाद जाते हो तो वहाँ पे आपको रूम मिल जाएगा आराम से, 800 रुपये के अंदर आप 4 जने रह सकते हो। जबकि जो पास वाले होटल्स है वो लोग आपसे 1200 रुपये 4 जनों के लिए, या फिर 1400 रुपये या ऐसे चार्ज कर सकते हैं, जो डिमांड और उस पर सप्लाई पे काम करेगा सारा काम। तो आप 1.5 किलोमीटर दूर चल जाना, वहाँ पर आपको 800 रुपये में आराम से मिल जाएगी। एक हरसाली होटल है, वो सर्च मार लेना आप, वहाँ पर चल जाना, आपको 800 रुपये में अच्छा रूम मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और पास ही एक बालाजी का मंदिर भी, आप वहाँ पे भी रुक सकते हो, जैसा देख सकते हो बालाजी का मंदिर है, यहाँ पे रुक सकते हो। यहाँ के पानी की व्यवस्था भी है, यहाँ पे जो हैंडपम्प लगा हुआ है इससे आप पानी की व्यवस्था कर सकते हो। यहाँ पानी वैसे मीठा आता है, पर कभी कभार क्या होता है मौसम ख़राब होता है तब दिक्कत हो सकती है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ पर आराम से आप रुक सकते हो। ये शाम के समय की भीड़ है, जब हम लोगों ने टोकन ले लिया था, उसके बाद टोकन हम 5 बजे जब एंटर करे थे, लगभग 6:30 से 7 बजे के आसपास हमको टोकन मिल गया था, टोकन नंबर दिए थे, उससे फिर हमने सुबह एंट्री ली थी। मॉर्निंग में जब एंट्री होती है आपके टिकट नंबर के हिसाब से, उसके बाद आपको 3 फॉर्म दिए जाते हैं, जिसमें एक डिपार्टमेंट कॉपी होती है, स्टूडेंट कॉपी होती है, और एक और होती है जिसके अंदर आपको रोल नंबर वो सब भरवाए जाते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे ये सब रोल नंबर और वो भर रहे, मोबाइल अलाउ होता है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं होती, मोबाइल की आप ले जाके जा सकते हो, क्योंकि जैसे मॉर्निंग का है तो यहाँ पे ज़रूरी है। उसके बाद बारिश भी आने लग गई थी, फिर बारिश में फिर बाद में वहाँ पे दूसरी जगह बैठा दिया था हमको, पर ये तो उस समय थोड़ी थोड़ी आ रही थी तब की है, बहुत तगड़ा है। यहाँ के स्टाफ का बिहेवियर बहुत शानदार है, कोई गाली गलौज नहीं, आराम से आपसे प्यार से बात कर रहे सारे, आपको समझा रहे, जो आपको नहीं आ रहा वो एकदम से बता रहे आपको। तो आप सब पूछ लेना उस हिसाब से, भरना कोई भी गलत नहीं, भरना फॉर्म में आराम से भर सकते हो सारा, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको सब बताया जाएगा। ये 3 फॉर्म भरने के बाद जो है आपका मेजरमेंट होता है, जिसके अंदर आपका ये हाइट होती है, उसके बाद चेस्ट होता है, और उसके बाद आपका बायोमेट्रिक होता है। उसके बाद आपको चेस्ट नंबर मिल जाएगा, और पहले ग्रुप के अंदर 100 बंदों को दौड़ाया था हमको, जिसमें से हम 83 लोग आए थे। ये BSF कैंपस इसके पीछे की साइड से एक रोड और जा रहा है, जो गाँव के अंदर से होते जा रहा है, तो वहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट हो जाता है स्टार्ट, फिर गाँव के अंदर से होते लगभग 3.5 किलोमीटर के आसपास गाँव में, फिर हाईवे पर चढ़ता है वो रोड, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा इसके अंदर, हाईवे से जहाँ से चढ़ता है और कितनी ढलान है, कितनी चढ़ान है, वो सब उसके अंदर मैं बताऊंगा अभी आगे। तो आप वो भी देखें, आप स्किप नहीं करें बिल्कुल भी। आपको रनिंग में क्या खा के जाना है, क्या नहीं खा के जाना, वो भी इंस्ट्रक्शन जब टोकन नंबर आप ले होगा तब बता देंगे आपको। वैसे आप कुछ भी ले जा सकते हो, आपकी मर्ज़ी, आप कोई दिक्कत नहीं, आप अपने साथ बोतल ले जाओ, आप अपने साथ चॉकलेट ले जाओ, कोई मना ही नहीं है, आप खा सकते हो, पर वो आप पे निर्भर, आप किस हिसाब से रनिंग करते हो, रेगुलर कुछ खा के करते हो या वैसे ही करते हो। रनिंग ट्रैक की बात करें तो रनिंग ट्रैक जो BSF कैंपस के जस्ट पीछे की साइड में ही है, तो वो जब स्टार्ट होता है तब आपको ढलान मिलेगी, जस्ट 100 मीटर के बाद ही आपको ढलान मिल जाएगी आराम से, वो जो ढलान होगी लगभग 200 से 250 मीटर की होगी। फिर उसके तुरंत बाद आपको वापस थोड़ी सी एक चढ़ाई मिलेगी, वो क्लियर करती थोड़ी सी और चढ़ाई है छोटी सी एक, उसके बाद फिर से ढलान होगी, वहाँ पर आपका 1 किलोमीटर हो जाएगा। वहाँ पर ऐसे लिखे हुए हैं सारे निशान,
यहाँ पे आपका 1 किलोमीटर हो रहा है, यहाँ पे 2 किलोमीटर हो रहा है, तो आप अपने साथ स्टॉप वॉच जरूर ले जाए ताकि आपको पता रहे कि आप किस हिसाब से दौड़ रहे हो। तो आपका अगर 1 किलोमीटर 5 मिनट के अंदर आ रहा है कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से दौड़ जाओगे बिल्कुल किसी परेशानी के साथ में। तो ये लगभग 3.5 किलोमीटर के आसपास गाँव के अंदर है। गाँव में कहीं कहीं पर रोड थोड़ी बहुत फूटी हुई भी, मतलब डम्बर है वैसे, कोई दिक्कत नहीं है एकदम। बाकी कहीं गांव के अंदर से है तो उस हिसाब से हो गए, फिर कहीं पे नाली वाली का कचरा भी आ जाता है। ये जो गांव का है, यहाँ से हाईवे पे जब आ रही है, ये गांव की रोड है, ये फिर जो पुलिया की सर्विस लोन है मेन हाईवे, तो यहाँ पे आपको दौड़ना होगा। ये सर्विस लेन लगभग 1200 मीटर के आसपास की होगी। यहाँ पे फाइनल में जब आप चढ़ते हैं, एंडिंग में होती है, उस समय थोड़ी सी चढ़ान आती है, तो उस हिसाब से आपको देख लेना है। यहाँ 4 किलोमीटर के बाद भी अगर आपके पास 5 मिनट बचते तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आपकी रनिंग आराम से होगी बिना किसी दिक्कत के। ये आप देख सकते हैं, ये जब आगे जाओगे आप तो यहाँ पे आपको आगे झंडा दिख जाएगा जहाँ पे रुकना होगा। यहाँ पे थोड़ी सी चढ़ान है, यहाँ पुलिया उतर इसके साइड में सर्विस लेन है, तो यहाँ पे आपको दौड़ा रहे हैं, तो वहाँ पे थोड़ी सी चढ़ान है लास्ट में जब एंडिंग होती है, लगभग 200 मीटर की होगी। उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ आराम से आपको क्लियर करना है, झंडा दिख जाएगा, वहाँ तक भगना है बस। और BSF कैंपस वाले भी बहुत सपोर्टिव, आपके साथ भगेंगे देखना लास्ट में, तो क्योंकि हमारे साथ भी भगे थे, जोश बनाते रहेंगे आपका। बीच बीच में अगर आपको पानी पीना तो पानी भी मिल जाएगा आपको। ये देख सकते हैं, ये थोड़ी सी चढ़ान आने के बाद ये वापस समतल हो जाती है, आपकी जो एंडिंग पॉइंट यहीं पे होगी, थोड़ा सा आगे जाके ये गाड़ियाँ दिख रही है आपको, यहाँ पे एंडिंग पॉइंट हो जाएगी आपकी। फिर आपको ये वापस यहाँ से BSF कैंपस में बस में भर के वापस ले जाया जाएगा, जहाँ से आप कैंपस में पहुँचोगे बस के अंदर आपको यहाँ से ले जाया जाएगा। यह देख सकते हैं, मेरा जो रनिंग टाइम आया था वो आया था 22 मिनट 54 सेकंड का। आपके अगर ग्राउंड में 24 मिनट भी आ रही तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से रनिंग क्लियर कर जाओगे बगैर किसी, बस आपको रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना, पीछे नहीं देखना बस। इसके बाद वापस आपको ग्राउंड में लाया जाएगा, वहाँ पर आपके जो है वो CO साहब, जो मैंने बोला था डिपार्टमेंट को भी थी, स्टूडेंट को भी थी, उनके ऊपर जो जो पास हुए हैं उनका सबका CO साहब के, इनके कमांडेंट के, ऑफिसर के साइन होंगे। उसके बाद आपकी फ़ोटो भी खींची जाएगी, उसके साथ में जो मेजरमेंट होगा और यहीं पे वेट का मेजरमेंट होगा। ये आप देख सकते हैं, जो दूसरा ग्रुप वो भी दौड़ गया था, लगभग हमको जो पहला ग्रुप था उसको दौड़ा दिया था सुबह, क्या बोलते हैं अपने 7:30 के आसपास, 7:30 तक तो हम वापस ग्राउंड में आ गए थे। उसके बाद दूसरा ग्रुप भी हमारे लगभग आधे 1.5 घंटे बाद ग्राउंड के अंदर आ गया था। उसके बाद आपको वहीं बैठा के रखते हैं, क्योंकि वो आपका जो चल रहा होता है CO साहब के सबके सिग्नेचर होते हैं उस पर, तो उसके अंदर लगभग 3-4 घंटे लग जाते हैं। हमको खुद को लग गए थे 3 घंटे, हमको 11:30 फ्री किया था हमको सारा काम करवा के। फिर उसके बाद हमको जो मेडिकल के लिए दे दिया था कि भाई आपका जब मेडिकल होगा तब आपको ये वाला डॉक्यूमेंट देना है, जो कि आपको अभी दिख रहा होगा, अब मैं दिखाऊँगा अभी वीडियो के अंदर। लास्ट के अंदर ये वाला डॉक्यूमेंट मिला, उसके अंदर सारा लिखा हुआ था आपका मेजरमेंट और सबके सिग्नेचर थे, जो कि आपके मेडिकल के टाइम पर काम आएगा। ये सुबह मिला था तब का है। तो छोरा घृणा सेल।